हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं टीआर सौरभ। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज मैथ्स में हमारा जो लेक्चर है वो है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेष प्रमेय। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आप इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आप चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर एसएससी सीएचएसएल के कोर्स में जाना है। माय कोर्स सेक्शन में आपको एसएससी सीएचएसएल का कोर्स मिलेगा और सारे पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे वो इस लेक्चर का पीडीएफ हो, चाहे हम आपको जो 25-25 सवाल हर वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को प्रोवाइड करवाते हैं, और उसका आंसर कि हम नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे को आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी लेक्चर में हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड 25 सवाल यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट के 25-25 करके आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इस हफ्ते का शेड्यूल भी चाहते हैं तो वो भी वहां पे आपको अपलोड हो जाएगा कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, तो उसका फायदा उठाइए, क्योंकि अब एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो आपका मई में होने वाला है। तो अच्छे से प्रिपरेशन को करिए और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए सारी चीज़ों का फायदा आप उठाइए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वो सभी आपको टाइमली मिलते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेसन को। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है शेष प्रमेय, सबसे पहला जो चीज़ हमें यहाँ जानना है वो कुछ थ्योरम्स, सबसे बेसिक थ्योरम। इसके बारे में हम जानते भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो नहीं जानते उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। डिविडेंड बराबर क्या होता है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाग बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहां पर यदि मैं भाजक को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी डिवाइजर को स्मॉल डी से, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यानी कि भाग को, कोशेंट को मैं क्यू से, और भागफल यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और शेषफल को आर से यानी रिमाइंडर को आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें इस तरीके का एक रिलेशन बनता है कि कैपिटल डी बराबर होता है डी क्यू प्लस आर। इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आगे भी आने के चांसेस रखते हैं। ये बना तो कैसे बना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन अभी कर लेता हूं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसी से एक बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे 11/3 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी को हम कैसे लिखते थे, इसी को हम लिखते थे 3/2, इस तरीके से हम लिखते थे। फिर मैंने बताया था कि ये क्या है, अब उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं ये आपका कैपिटल डी यानी डिविडेंड कहलाता है, जिसे हम हिंदी में भाग कहते हैं। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भाजक कहलाता है यानी कि डिवाइजर्स। ठीक है, और जो आपका कोशेंट आया वो आपका 2 है और थ्री आपका कोशेंट है, और जो आर बचा रिमाइंडर ये आपका 2 है। तो ये 11, इसका मतलब यह होता है कि 11 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो जो चीज डिवाइड हो रही है वो अंदर, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। अंदर जो वैल्यू है 11 ये डिवाइजर कहलाता है। 3 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स कटता है जो कि आपका कोशेंट हो गया, ये आपका कोशेंट है। 9 जाएगा, माइनस करने पर 2 बचा रिमाइंडर, इसी को हम शेषफल कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, ये जो 11 है इस 11 का वैल्यू हो जाता है 3 × 3, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट यानी 3 × 3 प्लस रिमाइंडर यानी कि 2। अब जब इसको 11/3 हम लिख रहे थे तो यहां पर जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 3 इसको काट देगा, ये 3 बचा रहेगा, और 2/3। इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, ये हम बहुत पहले देख चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, 17/5, तो ये 5 जो है ये कहीं ना कहीं आपका डिवाइजर, ठीक, स्मॉल डी, ये आपका है डिविडेंड, ये कटेगा 3 बार तो ये बन जाएगा आपका कोशेंट, 15 से कटेगा, माइनस करने पर यहां पर 2 बचा तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए कि ये जो 17 है, इस 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 3 प्लस का 2। तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम का पहली जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कभी ना कभी बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर भूल चुके हैं तो अब इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, जहां तक रिमाइंडर थ्योरम की बात है, इस लेक्चर के अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे उसमें थ्योरम्स बहुत सारे हैं और इन थ्योरम्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सवाल जो है वो आसान ही होता है रिमाइंडर थ्योरम का, लेकिन अगर आप यहां पर क्वेश्चन देखकर घबरा जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो थ्योरम्स है बहुत ही आसान आसान थ्योरम्स है
और इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। एक बार बस आप इस वीडियो को देखिए, सारे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 259 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। किसी संख्या को जब 259 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 47। यदि उसी संख्या को अगर 37 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा, आपका उत्तर आ चुका होगा, इसका आंसर है 10। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए किसी संख्या, कोई एक संख्या है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 259 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन आया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन बोला गया है कि जो रिमाइंडर आ रहा था वो 47 आ रहा था। मतलब ये जो नंबर है वो नंबर कहीं ना कहीं क्या होता है, 259Q+R यानी कि 47 यहां पे एक्स्ट्रा बच जाएगा 47, ठीक। अब सवाल ये बन रहा है कि आप इस नंबर को 37 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप खुद ही बताइए कि ये जो 37 है ये तो उसको पूरी तरह से काट देगा, क्योंकि ये जो है ये 37 7 टाइम्स कटता है, तो ये बन जाएगा आपका 7Q प्लस यहां से आपका 47 डिवाइडेड बाय 37। तो क्या नहीं कटने वाला है, ये आगे वाला वैल्यू नहीं कटने वाला है। तो डायरेक्टली इस तरीके के सवाल में आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि 37 इसे तो काट रहा था, इस संख्या को तो पूरी तरह से काट रहा है 37। तो 37 अगर इस संख्या को पूरी तरह से काट रहा है तो आपको बस ये करना है कि आपको ये नंबर को 37 से एक बार काट देना है। जैसे ही 37 से यानी 37 से काटोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 10 बचेगा। यही इसमें करना होता है इस तरीके के सवाल में, ठीक। चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं। यहां से सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445 गिव्स टू टाइम्स द डिफरेंस एज क्वोशेंट एंड 30 एज रिमाइंडर देन द नंबर इज, ठीक। एक संख्या है जो कि 555 और 445 के योगफल से जब विभाजित करने पर इसके भागफल के रूप में इसके अंतर का 2 गुना देती है और शेष के रूप में 30 देती है। तो संख्या क्या है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग करके दिया है, जैसे कि जिससे डिवाइड हो रहा है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन जो है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन यानी भागफल के बारे में, और शेषफल जो है वो 30 है। तो सीधी सीधी बात हमको तो ये बता दी गई कि रिमाइंडर जो है वो तो 30 है, ये बदलने वाला नहीं। डिवाइजर के बारे में बोला गया कि ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो 555 प्लस 455 करना होगा, 445 इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 45 प्लस 55 हो गया 100 और 6+4 यानी 1000 आपका डिवाइजर है, ठीक। क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया, क्वेश्चन के बारे में कहा गया कि ये दोनों जो नंबर है इसके डिफरेंस का 2 गुना है, यानी 555 445 इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहां से 0, 55 माइनस 44 करोगे तो 110, इसका दुगना है मतलब 220 जो है आपका क्वेश्चन है। अब आपके पास डिवाइजर आ गया, आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक, डिवाइजर आपके पास है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दिया हुआ है, तो क्या हम नंबर निकाल सकते हैं। नंबर कैसे निकलता है, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर से, यानी डिवाइजर जो कि है 1000 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट यानी कि 220 प्लस रिमाइंडर यानी कि 30। तो बताइए वैल्यू क्या आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार 2 आएगा, फिर 0000 है लेकिन आखिरी में 30 है, तो 20 और फिर 30 आगे इसको ऐड करने पर आ जाएगा। तो ए जो है इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके के सवाल को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, डी क्यू और आर निकालना है। डी क्यू आर निकालने के बाद डिविडेंड आ गया, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया, वहां से फिर आप इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपके स्क्रीन के ऊपर है दिया हुआ, व्हेन अ नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर इट इज सीन दैट द डिवाइजर इज 4 times द क्वेश्चन एंड डबल द रिमाइंडर। If the remainder is 80, then the what is the value of x? यदि किसी संख्या x को विभाजित, किसी x को जब हम विभाजित करते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। यदि किसी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो विभाजक जो होता है वो भागफल का 4 गुना होता है, शेषफल का 2 गुना आता है, ठीक है, जो कि शेष का 2 गुना आता है। तो हमें यह बताना है कि यदि शेष जो है वो 80 है तो x का मान क्या है, ये x होगा, यहां पर भी थोड़ा सा एरर है, x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां दिया हुआ है कि जो नंबर है x, इसको जब हम डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइजर जो आया वो 4 गुना क्वेश्चन के था और यही 2 गुना रिमाइंडर के था। तो ये चीज हमको पहले दे दी गई,
और दूसरी बात यह बताया गया कि रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर है आपका 80 है, तो अगर 80 रिमाइंडर है तो इसकी जगह पे मैं 80 डाल देता हूँ, ये 160 बन जाएगा क्योंकि रिमाइंडर का दुगना है, और ये 4 क्यू के बराबर है, साथ ही साथ डी के भी बराबर, मतलब डी डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, स्मॉल डी जो है वो बन गया 160, और साथ में अगर ये 4 क्यू बराबर 160 है तो मैं इसको 160 को 4 से काटूंगा तो क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक 40, तो क्वेश्चन का वैल्यू भी आ गया, क्वेश्चन का वैल्यू 40। तो सारी चीजें हमारे पास है, क्वेश्चन, डिवाइजर और रिमाइंडर, अगर ये तीन चीज हमारे पास है तो आप नंबर निकालना जानते हैं। कैसे निकलेगा नंबर, नंबर जो होता है वो होता है डी इंटू क्यू, यानी कि 160 × 40 + 80, 160 × 40 करोगे तो 6400 आएगा, जिसमें 80 जोड़ने पर 6480 जो है इसका वैल्यू बन जाएगा, और ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, ये हो गया। इस तरीके के सवाल को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, यहां पे निकालना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2500, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 631 लीव्स द रिमाइंडर एज 5। 1000 से 2500 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 631 यानी कि 631 से विभाजित करने पर शेष 5 देती है। तो यहां पर हमें यह नहीं दिया कि भागफल क्या है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि डिवाइजर क्या है, यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और उससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचा जा रहा है, ये दो चीजें हमें बताई गई। तो आप जानते हैं कि जब आप किसी संख्या को 631 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर के रूप में आपको 5 मिल रहा है, क्वोशंट के बारे में नहीं दिया गया तो क्वोशंट को मैं क्यों मान लेता हूं। अब ये x यहां पर जो भी नंबर होगा d, ये जो नंबर है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सर जो नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 631 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर जो कि है 5, इस तरीके का नंबर होगा जिसमें क्यू जो है, क्यू का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, कोई भी इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई भी नेचुरल नंबर आप लेंगे, ऐसे सभी नंबर जो है वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को कि 631 से विभाजित करने पर इसका शेष जो है हमेशा 5 बचेगा। लेकिन हमें एक कंडीशन और यहां पर दिया गया कि नंबर जो है वो तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी 1000 से 2500 के बीच में। तो यदि सोचिए कि मैं अगर क्यू का वैल्यू 1 डालता हूं, क्यू का वैल्यू यदि मैं 1 डालता हूं तो जो नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 631 + 5 यानी कि 636। क्या ये नंबर 1000 से 2500 के बीच में नहीं है, मतलब आप क्यू को 1 नहीं ले सकते, ठीक। तो इसके बाद हमें सेकेंड वैल्यू लेना होगा, यानी क्यू को मैं अगर 2 ले लेता हूं, क्यू को 2 लेने पर यह बन जाएगा 1 2, क्यू का वैल्यू 2 लेने पर यहां से जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 2 6 2 प्लस का 5, मतलब जो वैल्यू आ रहा है वो है 1 2 6 7। ये वैल्यू तो 1000 से 2500 के बीच में, यानी क्यू को 2 हम ले सकते हैं, डिविडेंड का वैल्यू आ रहा है 1 2 6 7। यदि मैं क्यू को 3 डालता हूं, 3 डालने पर क्या आ रहा है, 3 डालने पर जो वैल्यू आएगा ये बन जाएगा 1 8 9 3, ठीक है, प्लस का 5, मतलब अभी जो वैल्यू आया वो है 1 8 9 8, तो यहां पर भी आपका जो वैल्यू है वो 1 8 9 8, कहीं ना कहीं जो वैल्यू है आपका 1000 से 2500 के बीच में। यदि मैं क्यू को डाल देता हूं 4 डालते ही साथ आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2500 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहां 4 डालता हूं तो बन जाएगा 4 12 24 और ये 25, प्लस 5 करने पर और ज्यादा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, यानी 2529 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसको भी हम नहीं ले सकते, मतलब क्यू का वैल्यू आप 4 या उससे बड़ा नहीं ले सकते। जनरली इस फॉर्मेट में अनंत यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि यहां पर आपको एक कंडीशन और दे दिया गया कि 1000 से 2500 के बीच में लेना है, तो क्यू को आप ना तो 1 लेंगे ना तो 4 या उससे कोई बड़ा वैल्यू लेंगे। केवल दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि हम क्यू को एक बार 2 लें, एक बार 3 लें, और 2 लेने पर वैल्यू जो आ रहा है 1 2 6 7, ये 1000 से 2500 के बीच में, और 3 लेने पर जो वैल्यू आ रहा है ये वाला भी 1000 से 2500 के बीच में, यानी आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा कि दो नंबर्स ऐसे पॉसिबल थे जो 631 से डिवाइड करने पर 5 का रिमाइंडर दे, और साथ ही साथ ये दोनों नंबर जो है वो 1000 और 2500 के बीच में हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे थ्योरम्स हमें देखनी है, थ्योरम्स देखने के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे सवाल भी हम देखेंगे, लेकिन पहले थ्योरम देखना बहुत जरूरी है, इसको अच्छी तरह से आप नोट करके रखिए, ठीक है। और अभी जो थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी थ्योरम के बेसिस पे आपका
जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था बेसिक कैलकुलेशन का डिजिटल सम, इसी थ्योरम के बेसिस पे, वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि वहां पर हम डिवाइड जो करते हैं वो 9 से डिवाइड करते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है। तो आइए समझते हैं इस थ्योरम में अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। जब भी हम किसी नंबर को x1, x2, x3 आर डिवाइडेड बाय d, दे गिव द रिमाइंडर r1, r2, r3, देन, यानी हिंदी वाले भी देखेंगे, जब किसी संख्या को x1, x2, x3 को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः r1, r2, r3 इस तरीके से हमें देता है। ठीक, मतलब समझिए क्या हो रहा है। यहां पर जब मैं x1 को किसी नंबर d से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है r1। x2 को जब मैं किसी नंबर d से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा शेषफल जो बच रहा है वो बच रहा है r2। x3 को जब मैं किसी उसी नंबर d से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है r3। मतलब कि इस तरीके से हमारे x1, x2, x3 जो है नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें जब रिमाइंडर बच रहा है तो रिस्पेक्टिवली r1, r2, r3 इस तरीके से बच रहा है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है उसको समझिए। जब x1 प्लस x2 प्लस x3 एक्सेट्रा सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज डिवाइडेड बाय d, जब इस सभी का सम को जब d से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर भी किया होगा, तो सारी चीजें ऐड होके जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। यानी इंडिविजुअली इसका जो रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका जो रिमाइंडर होगा, ठीक, इस पूरे वैल्यू का जो रिमाइंडर होगा वो भी r1 प्लस r2 प्लस r3 करने पर जो रिमाइंडर आया उसके बराबर होगा। हिंदी वाले भी देखेंगे, इस संख्या को x1 सारे संख्याओं को जोड़कर जब d से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल आपके सारे रिमाइंडर्स को भी जोड़ने पर बचेगा, क्योंकि इस नंबर्स को हम जोड़ रहे थे तो रिमाइंडर्स को भी वही करेंगे जो जोड़ रहे थे। ठीक है, यदि हम इस सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x1, x2, x3 सभी संख्याओं को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने इसको d से डिवाइड किया, उस वक्त जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर सभी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने से भी सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक, हिंदी वाले भी देखेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जब मल्टीप्लाई करके d से विभाजित करते हैं तब जब शेष बचता है वो रिमाइंडर, यानी कि जो शेष बचा है उन सबके गुणनफल से भी वही संख्या निकल के आएगी शेष में। अगर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, तभी भी आप देखेंगे इसको माइनस करने के बाद जो d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर्स में भी सेम ऑपरेशन करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। यानी कि इन सबको जब हम घटा देते हैं इस तरीके से और जो रिजल्ट आता है उसको d से विभाजित करते हैं तो भी शेषफल आपके यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है इसी प्रकार रहेगा, r1 माइनस r2 माइनस r3 इस तरीके से। ठीक है, तो जो शेषफल यहाँ बच रहा है वही शेषफल यहाँ भी बचेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम वाले वीडियो में ये बताया था मैंने कि जो डिजिटल सम होता है वो शेषफल बचता है, 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम भी होता है। तो जो चीज़ यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के लिए कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर बचा वही राइट हैंड साइड के रिमाइंडर के बराबर है, तो ये चीज़ वहाँ पे भी ट्रू होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, यहाँ से हमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 73, इस 73 को यदि मैं 10 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे कि शेष 3 बचता है, लेकिन इसमें एक और शेष हिडन होता है, इस 3 को मैं 10 से माइनस करूंगा तो मेरा रिमाइंडर -7 भी आएगा। ठीक, तो रिमाइंडर इसका या तो आप 3 लिख सकते हैं या तो आप -7 भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मली हम जो डिवीजन जानते हैं वो इस तरीके से जानते हैं, 73 को 10 से विभाजित करने पर 7 बार कटता है 70 और शेष बचता है 3। तो हम इस संख्या को 73 को लिख सकते हैं 70 प्लस 3, इसलिए हमारा शेष क्या बचा, तो 3 बचा। लेकिन मैं इस नंबर को ऐसा भी तो लिख सकता था 80 माइनस का 7, और मैं कहता कि ये 80 तो कट रहा है लेकिन -7 नहीं कट रहा है। तो इस नंबर के दो रिमाइंडर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि 3 भी एक शेषफल है और -7 भी एक शेषफल है। ठीक, आंसर हम कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे, ये केवल हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ही हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे कि अगर 3 रिमाइंडर है तो 3 में माइनस का 10 कर दोगे तो -7 आ रहा है, ये भी एक रिमाइंडर होगा। एक और एग्जांपल के जरिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मुझे अगर डिवाइड करना है 30 को, अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आप कहेंगे सर ये तो दो बार कटेगा 22 से और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि मैं इस 30 को क्या लिख सकता था, इस 30 को मैं लिख सकता था 22 प्लस 8, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो प्लस का 8 बचा। लेकिन कोई और व्यक्ति ऐसा कहेगा सर मैं यहाँ इस 30 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 33
माइनस का 3, और ये 33 जो है तो पूरी तरह से 11 से कट रहा है, मतलब इसका जो शेषफल बचेगा वो या तो 8 होगा, यानी 30 को 11 से विभाजित करने पर शेष जो बचता है वो या तो 8 होता है, या 8 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 3 आ रहा है, यानी 8 भी इसका शेषफल है, माइनस 3 भी इसका शेषफल है, 8 और माइनस 3 दोनों इसके शेषफल है। ठीक, तो इस नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कहां यूज करना है ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप नोट करके रखिए कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर दो तरीके के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि एक धनात्मक शेष और एक ऋणात्मक शेष। ऋणात्मक शेष कैसे निकलेगा, धनात्मक शेष में जो संख्या से विभाजित हो रही है उसको एक बार माइनस करने पर, और अगर ऋणात्मक शेषफल निकल गया और आपको धनात्मक शेषफल चाहिए तो उसी संख्या यानी ऋणात्मक जो शेषफल है माइनस 3 उसमें जिससे डिवाइड हो रहा था, किससे डिवाइड कर रहे थे हम 11 से, उसको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 में माइनस 11 करोगे ये आएगा, और माइनस 3 का रिमाइंडर आपको मिल गया तो प्लस एक बार 11 करने पर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने अभी चीजें समझाई आपको उसी के जरिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था कि रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि जो रिमाइंडर यहाँ पे लेफ्ट में बचा उसके प्रोडक्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यहां जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपके यहां पे RHS यानी राइट हैंड साइड में जो रिमाइंडर आता है इसके बराबर होता है। यही है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर आएगा और राइट हैंड साइड में जो रिमाइंडर शेषफल बचते हैं वो दोनों सेम होते हैं। और डिजिटल सम क्या था, तो डिजिटल सम 9 से जो शेष बचता था वही था, तो 9 से विभाजित करने पर यहां जो रिमाइंडर वही वहां पे भी आएगा। लेकिन 9 से विभाजित करने का जो शेष है उसका तरीका निकालना जो है वो क्या है, वो सारे डिजिट्स को ऐड करना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मैं यहां पर कोई एक नंबर लूंगा, आप चाहे आपके मर्जी का कोई भी नंबर आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सभी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं, 5 से, इसको भी 5 से, तो यहां राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, क्योंकि ये बाकी चीजें 5 से कट जाएंगी। इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 4, इसका रिमाइंडर आएगा 3, इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 4 × 3 = 12 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 12 आ रहा है। रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड हो रहा है उससे बड़ा नहीं होता, तो एक बार और आपको इसको 5 से काटना पड़ेगा, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा यहां पर 2। रिमाइंडर इसका क्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने के पहले जो अलग अलग रिमाइंडर थे उसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया 12, लेकिन 12 जो है 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, यहां पर भी रिमाइंडर 2 ही निकल के आ रहा है। ठीक, तो ये चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे एडिशन में हो आप देख सकते हैं, यहां पर आपका रिमाइंडर 4 है प्लस 3 है प्लस 1 है, मतलब कितना हुआ, तो 8 हुआ। लेकिन 8 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार और इसको 5 से डिवाइड करना होगा, हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यहां पे बचेगा आपका 3। सेम चीज आप यहां देखिए, इसको अगर मैं 5 से काटूं तो 125 पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस का 3 एक्स्ट्रा रिमाइंडर यहां पर बच रहा है 3। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि एडिशन करने के पहले जो अलग अलग वैल्यूज थे उसके रिमाइंडर को ऐड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3, और एडिशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू है वहां पे भी आपका रिमाइंडर आ रहा है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर है वही राइट हैंड साइड में आपका रिमाइंडर के बराबर होता है। एडिशन में भी देख लिया, मल्टीप्लीकेशन में देख लिया, सब्ट्रैक्शन में देखिए, यहां 4 + 3 - 1 है, मतलब कितना, 6। लेकिन 6 जो है 5 से डिवाइड कर रहे थे हम, तो रिमाइंडर जो था 4 + 3 = 1 था, 5 से डिवाइड करने पर यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 का बचेगा। ठीक, 46 को भी अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 45 + 1 आएगा, यानी कि यहां पे 1 रिमाइंडर। ठीक, अब यहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई इसी चीज को हम नेगेटिव रिमाइंडर्स के साथ भी देखते हैं। आप देखिए, इसका रिमाइंडर 4 है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर -1 भी होगा, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, और इसका रिमाइंडर माइनस का 2 आप लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर 1 लिख सकते हैं। तो 1 × -2 × -1 कितना आ गया, 2 रिमाइंडर है। राइट हैंड साइड में भी क्या रिमाइंडर है, तो 2 रिमाइंडर है। मैंने इसे प्रूफ किया 5 से। आप यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 13 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ठीक है, जो मन आपको आए 10 ले लीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड करके आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा यह होता है कि यहां -1 का रिमाइंडर, यहां -2 का रिमाइंडर, यहां +1 का रिमाइंडर। तो इन दोनों को मैंने काटा, यहां पे रिमाइंडर टोटल कितना है, -2 है, और यहां का रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। रिमाइंडर ना कभी नेगेटिव होता है और ना कभी आपके जो डिवाइजर है उससे बड़ा होता है। नेगेटिव रिमाइंडर हम केवल उसी लेते हैं कि हम यहां पर अपने कैलकुलेशन को थोड़ा और तेजी से फटाफट कर सके। तो -2 आया, घबराइए मत, किससे डिवाइड कर रहे थे आप, 5 से डिवाइड कर रहे थे यहां, तो प्लस का 5 एक बार कर लीजिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आएगा, यहां पे भी 3 आया। ठीक है, तो आप चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, हर चीज में आपका रिमाइंडर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमाइंडर आया वही राइट हैंड साइड में भी रिमाइंडर आएगा।
क्लियर है। चलिए अब सवाल कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 599601603 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक, तो 599601 या 603 को 13 से डिवाइड करने पर क्या शेष फल आ रहा है। तो मैं आपको यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का एप्लीकेशन के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 599 को यदि मैं कोई एक नंबर लेता हूं, ये 599, इस 599 को अगर मैं 13 से विभाजित करूं तो इसका वैल्यू जाएगा 4 बार 52 से। ठीक है, माइनस करने पर यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो है 7 और यहां पे आ रहा है 9, तो ये 6 टाइम जाएगा 78 से। ठीक है, और माइनस करने पर अल्टीमेटली यहां पर 1 रिमाइंडर बचा, 1। ठीक, तो अगर यहां पे 1 रिमाइंडर बचा तो जाहिर सी बात है अगर ये नंबर 2 बड़ा है तो यहां पर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, और क्यों सॉरी 3 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 2 ज्यादा था, और अगले वाले वैल्यू पे आपका 5 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि और 2 ज्यादा था, मतलब 3 × 5 बताइए कितना हो गया, 3 × 5 हो गया 15, 15। ठीक, अगर ये 15 है तो आपको पता है कि 13 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, तो 13 से बड़ा नहीं होने का मतलब ये है कि आपको एक बार और इस वैल्यू को 13 से काटना होगा, आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 2 का रिमाइंडर। ठीक है, 2 का शेषफल यहां बच रहा है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, हम जब एक को पॉजिटिव लेते हैं यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर्स के जरिए हम कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तभी भी आपका सेम वैल्यू आएगा। सेम वैल्यू कैसे, देखिए अगर इसका रिमाइंडर 1 आया, ठीक 1 लिख सकते हैं, इसके रिमाइंडर को हम 3 लिख लेते हैं, इसका रिमाइंडर 5 आना था, मैं इसको माइनस का 8 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर 5 आ रहा है तो मैं माइनस 13 करूं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 8। ठीक, माइनस का 8 आएगा। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, इसमें टोटल जो रिमाइंडर आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया माइनस का 24, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें इसमें 13 ऐड करके इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो 13 एक बार ऐड करूंगा तो नहीं चलेगा, तो 13 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 26 ही अगला मल्टीपल है 26, तो 13 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी मैं यहां पर माइनस 24 में प्लस का 26 करता हूं तो भी रिमाइंडर 2 आता है। चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर के जरिए सॉल्व करिए, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर के जरिए सॉल्व करिए, किसी भी वैल्यू में आपका जो रिमाइंडर है अल्टीमेटली 2 ही आता है। क्लियर, तो जैसे कि हमने कुछ चीजों को देखा, यहां पर आप इसका नोट बना के रखिए, वी यूज नेगेटिव रिमाइंडर्स ओनली टू मेक कैलकुलेशन इजी। हम केवल गणना को आसान बनाने के लिए ऋणात्मक शेषफल का उपयोग करते हैं, ऋणात्मक शेषफल होता नहीं है, यानी आंसर आप कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल के रूप में आंसर कभी भी हम नहीं लिखते। तो रिमाइंडर इज नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन डिवाइजर, दूसरा पॉइंट यही है, शेषफल ना कभी ऋणात्मक होता है ना कभी भाजक से बड़ा होता है। कहने का मतलब जब आप 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और यहां पर 3 बार कटेगा, तो शेषफल जो बचा वो कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर इस नंबर से बड़ा शेषफल आया तो एक बार और डिवाइजर से काट के उसको छोटा बनाना पड़ता है। साथ ही साथ यहां पर कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि 10 जो है वो तो 12 - 2 है, तो -2 का रिमाइंडर हुआ, तो नेगेटिव रिमाइंडर में कभी छोड़ना नहीं है। अगर 1 रिमाइंडर आया तो -2 जाहिर सी बात है रिमाइंडर होगा, और -2 रिमाइंडर आया तो 1 भी रिमाइंडर होगा क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 माइनस 3 करने पर -2 आता है, -2 में प्लस का 3 करोगे तो 1 रिमाइंडर, तो दोनों रिमाइंडर है। लेकिन आंसर के रूप में हम कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं करते, केवल कैलकुलेशन पर्पस को इजी करने के ही पर्पस से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर इज 25, फाइंड द व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 तब क्या रिमाइंडर होगा, तब हमें निकालना है। यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित करते हैं तो शेष 25 बचता है। अब संख्या के वर्ग को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर बचेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो नंबर जो है उसको 56 से डिवाइड करने पर शेष 25 बच रहा था, यानी कहीं ना कहीं नंबर इस तरीके के फॉर्म में होगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इसके स्क्वायर को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर बचेगा। स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब है 2 बार इस नंबर को हमने डिवाइड, 56 + 25, यानी देखिए ये 14 जो है वो 56 को तो पूरी तरह से काटेगा, मतलब जब रिमाइंडर कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो रिमाइंडर यहां से नहीं आएगा, रिमाइंडर यहां से आएगा, यानी 25 × 25 को हम जब 14 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचता है यार हमें निकालना है। अब देखिए ये जो 25 है 28 - 3 है, तो यहां पर रिमाइंडर आपका -3 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा पहले वाले में -3 और दूसरे वाले में -3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आया, यानी हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 9 बचेगा। ठीक,
9 आ गया, क्योंकि मुझे ये दिखा कि नेगेटिव रिमाइंडर करने से हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 25 को डिवाइड करते हैं 14 से, 14 से, तो आप जानते हैं एक बार 14 से कटेगा, रिमाइंडर यहाँ 11 बचेगा, मतलब यहाँ भी 11 रिमाइंडर, यहाँ भी 11 रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ 11 इंटू 11 कर लीजिए, 11 इंटू 11 क्या हुआ, 121 हुआ, लेकिन ये तो 14 से बड़ा हो गया। तो कभी भी रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, 14 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा, 121 को एक बार और 14 से डिवाइड करना होगा, तो 8 बार जाएगा ये 112 से। और इस केस में भी आप देखेंगे तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आपका आंसर वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। 121 एक बड़ा नंबर आ गया, फिर 112 से आपको माइनस करके तब जाके रिमाइंडर निकल। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली देखेंगे कि यहाँ -3 का रिमाइंडर, यहाँ भी -3 का रिमाइंडर, तो -3 × -3 + 9 आ गया, तो यहाँ से हमारा 9 का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व करिए। मेरे ख्याल से अब आपसे सवाल बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे खासे थ्योरम भी बता दिया है और एक सवाल भी बता दिया, अब आपसे बनना चाहिए। मैं यहाँ भी आपको उत्तर बता रहा हूँ। जैसे कि n है, इसका वैल्यू है 30 29 30 16 और 30 18, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 15। तो 30 29 30 16 13 18 को n से विभाजित करते हैं, n है तो n को जब हम 15 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या को अगर मैं 30 30 लिखता तो पूरी तरह से 15 कट जाता, लेकिन इसमें -1 है, मतलब पहले वाले वैल्यू से जो रिमाइंडर बचेगा 15 से काटने पर वो -1 का बचेगा। दूसरे वैल्यू में आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं 30 15 + 1 है, 3015 + 1 है, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा। इस वाले वैल्यू में अगर हम देखें तो 3015 + 3 है, मतलब यहाँ से आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 का बचेगा, ठीक। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है -1 × 1 × 3 यानी -3 का रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम 15 से डिवाइड कर रहे थे, तो मैं क्या करूंगा इसमें प्लस का 15 कर दूंगा और वैल्यू आएगा 12, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो 12 आएगा, उत्तर जो है सवाल डी बन जाएगा, क्लियर। इतनी आसान सी बात है। तो कभी भी आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करना है वो समझिए, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। आंसर अल्टीमेटली अगर नेगेटिव आया तो उसमें आपने जिससे डिवाइड किया था उसको एक बार ऐड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे कंटेंट जो है इसके बाहर आपका एग्जाम SSC CHSL का नहीं जाएगा, इस चीज़ का आप गारंटी रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां पर है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन e इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 25 तक है, इसको 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। 1 से 25 तक के योगफल को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। याद करिए समीशन n का फॉर्मूला, 1 + 2 + 3 ऐसा जब n तक करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर की सीरीज में, APGP में। तो जब E का वैल्यू हमें निकालना है तो E क्या था, 1 से लेकर 25 तक जोड़ा जा रहा था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 × 26 / 2। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये सीरीज नहीं पता है तो एग्जाम में हम 1 से 25 तक जोड़ते थोड़ी बैठे रहेंगे, क्योंकि टाइम हमारा चला जाएगा। इसलिए वहां इस तरीके के फॉर्मूले को याद करना जरूरी है, 5-6 फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे। 2 से काटोगे तो 13 आएगा, मतलब नंबर जो है वो है 25 × 13। अब सवाल पूछ रहा है कि इसको जब 6 से विभाजित किया जाता है तो मैं यहां पर अगर इसको 6 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बचेगा ये निकालना है। पहले वाले में क्या शेषफल, यहाँ 1 का प्लस 1 का, यहाँ पे भी प्लस 1 का, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्टीमेटली हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 का बच रहा है। सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे सवाल को सॉल्व करने के पहले कई लोगों का सॉल्व हो भी गया होगा, ये मेरी उम्मीद है कि आप लोग से बन रहे होंगे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है। 1 factorial से लेकर 2 factorial + 3 factorial ऐसा 325 factorial तक जब हम जोड़ते हैं इसका शेषफल क्या होगा, जब हम इसे 30 से विभाजित कर रहे हैं, 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें निकालना है। सबसे पहली बात, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कशन किया। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n × n − 1 × n − 2, ऐसा आपको 3 × 2 × 1 तक करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालूं तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 × 1 मतलब 2,
तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, यानी जो पिछला वाला वैल्यू था ना, जो 2 फैक्टोरियल आया उसमें आपको एक बार 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 निकल के आएगा, यही आपका 3 फैक्टोरियल होता है। क्योंकि 3 फैक्टोरियल में एक्स्ट्रा क्या हुआ, जितना 2 फैक्टोरियल में था उसमें 3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, जो पहले आया उसमें 4 मल्टीप्लाई करिए 24 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं 5 फैक्टोरियल निकालू, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, जो पिछला वैल्यू आया उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आएगा। इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार अगर 120 आ गया तो आगे सारे वैल्यूज 120 के मल्टीपल होंगे, और 120 में ही छुपा हुआ है 30। मतलब कि यहां से अगर मैं इस वैल्यू को 30 से डिवाइड करूं तो हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 0, रिमाइंडर 0 बचेगा, और हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इसके आगे जो 5 फैक्टोरियल से लेकर जो 325 फैक्टोरियल है, यहां सबसे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 का बचेगा। मतलब हमारा जो आंसर निकलना है वो डायरेक्टली 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक जो सम है, इसको जब डिवाइड करने पर 30 से जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर भी थोड़ा सा बात को देखिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर मैं इस 6 को इस 24 से जोड़ूं तो कहीं ना कहीं 30 बनता है, तो यहां से भी आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर अल्टीमेटली कहां आया, 1 + 2 से, 1 + 2 करने पर 3 आया, तो 3 हमारा जो है रिमाइंडर बन जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर होगा 3। तो सी जो है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में हमें निकालना है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन के आखिरी के 2 अंक हमें निकालने हैं। निम्नलिखित के अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए। तो अंतिम अंक के बारे में यूनिट डिजिट हम देख चुके हैं, लेकिन यहां जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिरी के 2 अंक क्या है वो बताइए। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो 100 से विभाजित करने पर, 100 से डिवाइड करने पर हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, वो हमेशा आखिरी के 2 डिजिट ही तो होते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूं 783 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 100 करता हूं तो आप कहेंगे सर ये तो 7 बार कट जाएगा 700 से, शेष बचेगा 83, और जो 83 बचा यही तो आखिरी के 2 डिजिट्स है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं 321 को 100 से डिवाइड करता हूं, कोई भी नंबर हो, या 1321 को 100 से डिवाइड करता हूं तो 13 बार कटेगा 1300 से, माइनस कटे करने पर यहां 21 आ रहा है, तो शेष है वही आखिरी के 2 डिजिट्स है। कहने का मतलब ये कि जब हमें आखिरी के 2 डिजिट्स निकालने को कहे जा रहे हैं तो इसमें जो रिमाइंडर बचेंगे, जब आप इसको 100 से काटे, 100 से काटने पर इस पूरे एक्सप्रेशन को जो आपका शेष बचेगा वही आपका आखिरी के 2 डिजिट्स हो जाएंगे। क्लियर है, आसान सी बात है, क्योंकि रिमाइंडर जो बच रहा है ना 100 से डिवाइड करने पर वही तो आखिरी के 2 अंक भी आ रहे हैं। तो यहां से बताइए इसका रिमाइंडर क्या है, प्लस का 1, इसका रिमाइंडर 99, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 98। लेकिन क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो मैं इस 99 को नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करके -1 लिखूंगा 100 से माइनस करके। इस 98 को 100 से माइनस करने पर -2 का रिमाइंडर बचेगा, तो मैं -2 यहां लिख लेता हूं। तो टोटल क्या आया, -1 × -2 करोगे -2 आएगा, और -2 × -2 करोगे तो 4 आएगा। मतलब अल्टीमेटली आखिरी के दो अंक बनेंगे वो बनेगा 4, यानी कि 04 जो है आखिरी के 2 अंक बनेंगे। क्लियर, आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, और कैसे हम यहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आखिरी के 2 डिजिट निकाल रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। ठीक, ये टेबल के जरिए मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अपने नोटबुक को 4 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे a^n + b^n, यहां पे भी लिखेंगे a^n + b^n, फिर यहां पे लिखेंगे a^n - b^n, यहां पे लिखेंगे a^n - b^n। ठीक, पहले वाले केस में हम देखेंगे कि जब n ऑड होता है तब क्या होता है, यहां पे भी हम देखेंगे कि जब n इवन होता है क्या होता है, इसमें भी देखेंगे जब n इवन होता है तो क्या होता है, और यहां पे देखेंगे जब n ऑड होता है तो क्या होता है। ठीक, तो लेफ्ट वाले में दोनों में जब n ऑड है, यानी n ऑड है इसका मतलब क्या, विषम संख्या, इन दोनों में n विषम संख्या है और यहां पर n इवन है तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब समझिए यहां पर होता क्या है, यहां पे आपको याद रखना है कुछ चीजें। जैसे कि जब n ऑड होता है तो ये जो संख्या आपने यहां लिखा हुआ है,
ये संख्या आपके a प्लस बी से पूरी तरह से कटती है, a प्लस बी से पूरी तरह से विभाजित होती है, लेकिन a माइनस बी से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। ठीक, जब n ऑड होता है तब कोई एक से ही विभाजित होगा। ठीक, जब n विषम होता है तो ये जो संख्या है ऊपर लिखी हुई, ये इन दोनों में से किसी एक नंबर से ही विभाजित होगी, जो कि प्लस के साइन में प्लस होता है और माइनस के साइन में माइनस वाले से डिवाइड होता है। यानी कि अब ये a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन a माइनस बी से ये पूरी तरह से विभाजित होगा। इस चीज का नोट बना के रखिए, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। जब n ऑड है तो या तो a प्लस बी से डिवाइड होता है या a माइनस बी से, दोनों में से किसी एक से। और जब a प्लस बी यहां अगर प्लस है तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित होता है, और a माइनस बी से जब यहां माइनस है तो a माइनस बी से ये संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित होती है। विभाजित होने का मतलब क्या है कि अब शेषफल जीरो आएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता, डिविजिबल भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन कई बार ऐसा भी पूछता है कि शेषफल क्या बचेगा। तो आपको यह देखना है, जब ये a माइनस बी से यानी a प्लस बी से पूरी तरह से विभाजित है तो वहां पर शेषफल तो जीरो बचेगा। तो दोनों तरह के सवाल बन सकते हैं कि शेषफल क्या बच रहा है और इससे विभाजित है कि नहीं है, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। अब यहां से देखिए सेकंड, जब यहां पर हमने लिखा n इवन होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में या तो ये दोनों के दोनों से डिवाइड होगा या तो दोनों के दोनों से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि देखिए, ये a प्लस बी अगर है और n इवन है तो ना a प्लस बी से ये कटेगा ना a माइनस बी से ये कटेगा, दोनों जगह से ये नहीं कटेगा। लेकिन जब a के पावर n माइनस बी के पावर n की बात हो रही है तो ये a प्लस बी से भी पूरी तरह से कटता है और a माइनस बी से भी पूरी तरह से ये कट जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नोट करके रखिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या मैं अभी आपको एक टेबल के जरिए भी इस चीज का नोट्स दिला दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपने इसको नोट किया है, और यहां पर ये टेबल है, इसको भी आप नोट करके रखिए कि जब a के पावर n प्लस बी के पावर n है, यहां पर भी a के पावर n प्लस बी के पावर n, n जब ऑड है तो ये n विषम होने पर a प्लस बी से कटेगा, और n जब यहां सम होता है तो किसी से भी नहीं कटेगा, ना a प्लस बी से ना a माइनस बी से। अगेन माइनस है, यहां माइनस है, तो जब n ऑड होगा तो a माइनस बी से पूरी तरह से विभाजित होगा, और जब n इवन होगा इस केस में तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ये विभाजित होगा। ठीक, तो इस चीज को आप नोट करके रखिए। चलिए, ये आपको पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से याद रहता है चीजें। चलिए अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सवाल। यहाँ पे आपको दिया है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 48 के पावर 45 प्लस 69 के पावर 45 प्लस 67 के पावर 45 इज डिवाइडेड बाय 23। जब हम इस संख्या को यानी 48 के घात में 45, ठीक है, 69 के घात में 45 और 67 के घात में जब 45 है, इसको जब 23 से विभाजित करते तो शेषफल क्या बचता है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, 23 से विभाजित करने पर वही शेषफल बचेगा जो यहाँ बच रहा है, जो यहाँ बच रहा है, जो यहाँ बच रहा है। 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो होता है, ये होता है 69। मतलब आपको ये समझना होगा कि ये जो 69 नंबर है, यहाँ से आपका शेषफल तो जीरो आ रहा है। 69 नंबर से हमारा शेषफल जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। मतलब हमारा जो शेषफल अल्टीमेटली आएगा वो यहां से आएगा कि 48 के घात में जब 45 हमने लिखा प्लस 67 के घात में हमने 45 लिखा, तो इसमें से जो रिमाइंडर आएगा वही आपका शेषफल होगा अल्टीमेटली, क्योंकि 69 से तो कोई शेषफल नहीं बचना है। ठीक, तो अब आप इसमें से याद करिए कि हमारे कौन से फॉर्मेट में, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मेट जो है वो a के घात n प्लस बी के घात n के फॉर्मेट में, जिसमें आपका n जो है ये एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या होता है तो ये जो नंबर होती है ये पूरी की पूरा a प्लस बी से अच्छी तरह से विभाजित हो जाती है। यानी a प्लस बी यहां पे कौन है, 48 प्लस 67, क्योंकि 45 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। यानी आपको बस ये देखना है कि 48 प्लस 67 करने पर कितना आ रहा है, इसको जब जोड़ोगे तो 115 आएगा, और ये 115 जो है ये पूरी तरह से 23 से कट जाता है, क्योंकि 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो यही आता है। मतलब कहीं ना कहीं यहां से भी आपका शेषफल जो बच रहा है, रिमाइंडर आपका जो बच रहा है वो जीरो बच रहा है, यहां से भी रिमाइंडर जीरो, इससे भी रिमाइंडर जीरो, यानी अल्टीमेटली हमारा जो शेषफल बचेगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, तो शेषफल निकालना था क्योंकि पूरी तरह से विभाज्य है तो शेषफल जीरो आएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6 के पावर 2 के और 7 के पावर 2 के को ऐड करने पर, जहां k एक ऑड नंबर है, तो क्या होगा। हमने ये अभी अभी जो पिछले प्रॉपर्टी को देखा उसी के तहत आप ये भी लिख सकते हैं
कि सबसे पहले तो सर्च इंडाइसेस का एक फॉर्मूला ए के पावर एम के घात एन जो होता है ए के घात एम एन होता है। तो अगर ये 6 का स्क्वायर है तो मैं इसको 6 स्क्वायर के घात के लिख सकता हूं, अगर ये 7 स्क्वायर 7 के पावर 2 के है तो इसको 7 स्क्वायर के घात 2 के लिख सकते हैं, मतलब 36 के पावर के प्लस 49 के पावर के। ये किससे पूरी तरह से कटता है, क्योंकि के ऑड है, के एक विषम संख्या है, के क्या है तो विषम संख्या, विषम संख्या पे ये एक नंबर से कटता है, जब प्लस हुआ तो दोनों के एडिशन से और जब बीच में माइनस हुआ तो दोनों के सब्ट्रैक्शन से पूरी तरह से कटता है। यानी कि ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं 36 प्लस 49 से पूरी तरह से कटेगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 85 से ये नंबर पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहाँ पर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, क्लियर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, सेम पैटर्न का सवाल है, यहाँ 5 के पावर 79 प्लस 13 के घात में 142 है, तो ये किस तरीके से किससे हमेशा विभाज्य होगा यानी डिविजिबल होगा, हमारे पास ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व करने के पहले आप देखिए, यहाँ 5 के पावर 71 तो ठीक था, हमारा जो फॉर्मेट होता है वो a के पावर n प्लस b के पावर n के फॉर्मेट में होता है, लेकिन आप एक जगह 71 लिख रहे हैं तो दूसरे जगह पे आप 71 ना लिखकर 142 कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे इसको तोड़ना होगा, 13 का स्क्वायर के घात 71 ऐसा लिखना होगा, और 13 का स्क्वायर का मतलब आप सभी जानते हैं कि ये हो जाएगा आपका 169, मतलब जो नंबर है ये 5 प्लस 169 से पूरी तरह से कटेगा यानी 174 से। ऑप्शन में थोड़ा नजर दौड़ाइए कि कौन से नंबर है जो इसमें 174 का फैक्टर है, देखते साथ समझ में आ रहा है 87, क्योंकि अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं 2 से डिवाइड करके लिखो तो 2 यहां पर 8 और 7, 87 इंटू 2 जो है, यानी कहीं ना कहीं 87 जो है वो 174 का फैक्टर है। तो अगर ये नंबर 174 से पूरी तरह से कट रहा है तो 87 से भी पूरी तरह से कटना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर यहां दिया हुआ है 61 के घात में 20 माइनस 1024 को जब इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी किससे विभाजित नहीं होगा, हमें निकालना है यहां पे कुछ चार वैल्यूज है। तो देखिए मैंने शुरुआती वीडियो में सर्च इंडाइसिस में आपको बताया था, ये सारे नंबर्स को याद रखिए, 1024 जो होता है ये 2 के घात 10 होता है, ये देखते साथ आपको क्लिक करना चाहिए तब जाके आपका कैलकुलेशन जो है फटाफट आ जाएगा। 2 के घात 10 होने का मतलब ये है कि इसको भी दो के, मतलब 61 के घात 10 होना था तो मैं इसको 61 के स्क्वायर के घात 10 लिख सकता हूं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए के पावर एम के पावर जो एन होता है ये ए के पावर एम इंटू एन होता है, ठीक, और ये बन जाएगा माइनस 2 के पावर 10 ऐसा। तो 61 का स्क्वायर, अब देखिए 61 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, ये 25 का इसका बेस बनता है, 25 में आपको क्या करना होगा, क्योंकि 50 से 11 ज्यादा है तो 25 प्लस 11 होगा और आगे 11 का स्क्वायर करना होगा यानी 11 स्क्वायर जो होता है 121, लिखोगे 21 एक को आगे भेजोगे तो 3721 जो है इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक, मतलब ये जो है इसका स्क्वायर है 3721 के पावर 10 हो गया, माइनस 2 के पावर 10 हो गया। अब ये है आपके a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में, जिसमें ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से पूरी तरह से कटता है, यानी ये जो नंबर है ये दो नंबर से पूरी तरह से कटेगा, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 3723 से पूरी तरह से कटेगा और माइनस करने पर 3719 से पूरी तरह से ये नंबर कटेगा, ठीक है। तो अब यहां से हम इसका वैल्यूज को चेक कैसे करें कि कौन से इसमें से विभाजित है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन वाइज ही जाना होगा, अगर मैं 3 से इसे काटता हूं तो 37 यानी 12 और 3 यानी कि ये पूरी तरह से कट रहा है 3 से, ये संख्या तो पूरी तरह से 3 से कट ही रहा है, मतलब हमको ये निकालना था कि किससे विभाज्य नहीं है, तो 3 से तो विभाज्य है, 17 से देख लेते हैं, 17 से अगर मैं काटूं इस नंबर को तो यहां 17 से काटने पर यहां 34, ठीक है 34 आ रहा है, 34 के बाद आपका जो रिमाइंडर बचा वो 15 का 34 के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा 32 आ रहा है, 32 के बाद अगर देखेंगे तो 115 15 आएगा, 153 पूरी तरह से 17 से कट रहा है यानी 17 से ये भी पूरी तरह से कटेगा, 19 से अगर हम देखते हैं तो 19 से क्या ये नंबर कट रहा है 19 से काटोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 182 का बचेगा, 182 यानी 171 से काटोगे तो 11 बचा, 113 जो है 19 से नहीं कटता, इसको भी देखेंगे तो कहीं से 19 से नहीं कट रहा है, यानी 19 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि पहला और दूसरा नंबर दोनों ही 19 से नहीं कट रहे हैं, यानी डेफिनेटली यही आपका आंसर होगा, चाहो तो 73 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है आप डिवाइड करके देख सकते हैं, दोनों में से एक वैल्यू 73 से कटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 91 के पावर 31 माइनस ऑफ 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे पूरी तरह से डिवाइड होगा,
तो 91 के पावर 31 अगर लिखा है तो इसको -1 के पावर 31 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर 31 लिखो तो ये भी तो 1 के बराबर ही होता है। तो ये जो नंबर है कहीं ना कहीं 91 माइनस 1 से पूरी तरह से कटेगा, यानी 90 से। तो ऑप्शन में देखिए 90 या 90 का फैक्टर अगर दिया है तो संख्या उससे पूरी तरह से कटेगा, यानी 18 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम में, जो कि है विल्सन थ्योरम। ठीक, इससे सिंपल ही सवाल आता है। तो इसमें अगर दिया गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर है पी, यदि पी कोई अभाज्य संख्या है, ठीक, और पी माइनस एक फैक्टोरियल को जब पी से डिवाइड करते हैं तो शेष रिमाइंडर बचता है पी माइनस वन। यानी कि जब पी माइनस एक फैक्टोरियल को पी से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा? पी माइनस एक बचेगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 10 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 11? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10 फैक्टोरियल 11 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल बचता है, आपको बस ये चेक करना है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या वो प्राइम नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे केस में 11 माइनस एक रिमाइंडर बचता है जो कि है 10। ठीक, इसको याद कैसे किया जाए? याद करने का तरीका यह है कि आप 3 को देखिए, 3 से इसको याद रखिए। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। और ये 2 कैसे आप लिख सकते हैं? 3-1 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। विल्सन थ्योरम का सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अगर p एक प्राइम नंबर है यानी p एक अभाज्य संख्या है, तो p माइनस 2 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। p माइनस 2 फैक्टोरियल जब p से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, 1 बचता है। इसका आप नोट बना के रखिए। जैसे कि 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29, 27 फैक्टोरियल को जब 29 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष क्या बचेगा? आपको बस ये देखना है क्या 29 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। 29 एक प्राइम नंबर है, और क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 का बचेगा। ठीक है, याद कैसे रखना है? तो फिर से आप याद करिए 3 फैक्टोरियल 3 को, और यहां पर 3 माइनस 1 करने पर 2 करने पर 1 आता है। एक फैक्टोरियल को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब जैसे 131 है, इसको हम 130 फैक्टोरियल को 131 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? जब भी हम कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है ये हमें चेक करना है, यानी 131 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है ये हमें अगर चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा? 131 के छोटा जितने प्राइम नंबर्स है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ा जो है वो है 11 का स्क्वायर, क्योंकि 121 आएगा। इसके बाद अगला प्राइम नंबर 13 होता है, 13 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 169, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो यहां तक नहीं जाना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है वो कैसे चेक करना है, क्योंकि हमने जो विल्सन थ्योरम देखा उसमें प्राइम नंबर के लिए वो थ्योरम है। तो अगर ये 131 से हम 130 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें आप विल्सन थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले ये तो चेक करना ही होगा ना कि 131 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ऐसा देखना है जो एक प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे छोटा और इससे छोटे में सबसे बड़ा आया 11। तो 11 और 11 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7 और 11, ये सभी प्राइम नंबर है जो 11 या 11 से छोटे या उससे बराबर है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये 131 इनमें से किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है क्या? अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, मतलब 131 एक प्राइम नंबर होगा, तो ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, 7 से काटोगे तो भी नहीं डिविजिबल है, 11 से भी नहीं, मतलब 131 प्राइम नंबर हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 131 माइनस 1 यानी कि 130 है इसका सही उत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 फैक्टोरियल को 97 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है? तो 97 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और इसमें 2 माइनस किया तो 95 फैक्टोरियल आया, 95 फैक्टोरियल को 97 से डिवाइड करने पर 1 जो है इसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब हम आते हैं यूलर्स थ्योरम पे। ये जो यूलर थ्योरम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, इसको मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप ये समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार अगर आप इसको समझ गए तो विद इन सेकेंड्स आप इस तरीके के सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि 57 टू द पावर ऑफ, या इस तरीके से कोई नंबर लेते हैं, 7 टू द पावर ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 12 करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इस तरीके के सवाल आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आराम से समझिए, यहां पर मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि यूलर थ्योरम क्या है, यूलर ने क्या कहा। ठीक है, उससे आपका जो है ना सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, इस तरीके के सवाल, चलिए, तो इसमें यूलर थ्योरम जो है वो आप नोट कर सकते हैं।
तो पहली बात जो आपको याद करने की जरूरत है वो है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर जो है, ठीक। दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब कहलाते हैं या को प्राइम कब कहलाते हैं, जब इसका HCF 1 होता है, महत्तम समापवर्त 1 होता है। ये हम डेफिनेशंस में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, जब a के घात 5x इज डिवाइडेड बाय x वेयर a एंड x आर रिलेटिवली प्राइम, देन रिमाइंडर इज 1, ठीक है। जब a के घात 5x को यानी कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ x है जिसको हम कहते हैं, x से विभाजित किया जाता है जिसमें कि a तथा x जो है वो सह अभाज्य संख्या हो, तो शेषफल 1 बचता है, जिसमें phi of x क्या है, टोशन फंक्शन है x का, ठीक, टोशन फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब ये टोशन फंक्शन क्या है इसको थोड़ा सा मुझे आपको समझाना होगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा कि बताइए भाई 7 के पावर 57 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से तो शेषफल क्या बचेगा, आप बताना है। तो 7 की पावर 57 तो बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में करना कि आपको टोशन फंक्शन पता होना चाहिए। ये क्या होता है, अगर 12 दिया हुआ है तो 12 का पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जो कि है 4 × 3। 4 × 3 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर × 3 के पावर 1। ये हम फैक्टर वाले वीडियो में देख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो अगर आपको टोशन फंक्शन निकालना है किसका, 12 का, 12 का टोशन फंक्शन हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय, अब जितने भी फैक्टर यहां प्राइम नंबर आपको दिखे, जैसे 2 दिखा तो आपको 1 - 1/2 करना है, फिर आपको क्या दिखा, 3 दिखा तो 1 - 1/3 करना है। तो इसका वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं 12 × 1/2 और 2/3, तो 2 और 3 से इसको काटेंगे, यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4। कहने का मतलब ये कि यहां पर अगर ये 7 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 होता तो इसका रिमाइंडर 1 बचना था, लेकिन ये 57 है तो इस 57 को मैं यहां पर पावर में 14 लिख लेता हूं, तो ये 56 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/7 को एक्स्ट्रा मैं अलग कर लेता हूं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैंने 7 के पावर 57 को मैंने 7 के पावर 4 के पावर 14 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दिया, तो जितने भी 7 के पावर 4 है ये तो सारे 1 रिमाइंडर देंगे, तो 1 इस तरीके से 14 बार आ गए, उसको हटा देते हैं, तो यहां से आपका रिमाइंडर जो है वो 1 का बच रहा था, अल्टीमेटली जो रिमाइंडर बचेगा वो यहां से आएगा, तो 7 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात टोशेंट फंक्शन की। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा भी देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक। सबसे पहली बात, ये जो 12 है, 12 का टोशेंट फंक्शन 4 होता है, 12 का टोशेंट फंक्शन 4 होता है, ये हमने देखा। इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब है कि 1 से लेकर 12 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1 से 12 तक 12 के साथ कितने को प्राइम नंबर है उसी को हम 12 का कोएफिशिएंट फंक्शन कहते हैं। तो 12 के साथ को प्राइम कौन होगा, वो नंबर जिसके साथ 12 का HCF 1 आता है, जैसे कि 1 हो गया, ठीक, और यहां से 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। तो 1 से लेकर 12 तक ऐसे 4 ही नंबर है जो 12 के साथ को प्राइम है, तो 12 का टोशन फंक्शन 4 कहलाएगा, और उसको निकालने का तरीका क्या है वो हमने देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे निकालना है 100 का टोशन फंक्शन निकालना है, तो 100 मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, यही हुआ। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे, 1 - 1/2, क्योंकि यहां पर 2 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे, 1 - 1/5, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो 2 × 5 जो है ये एक जीरो काट लेगा, मतलब 40 जो है इस 100 का टोशन फंक्शन है, यानी 1 से 100 तक 40 नंबर ऐसे हैं जो कि 100 के साथ को प्राइम है, ठीक। चलिए, किसी भी नंबर का टोशन फंक्शन निकालना अगर सीख लिया हमने तो इस तरीके के सवाल को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें दिया क्या है, दिया है कि 32 के पावर 32 को 9 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, 32 टू द पावर ऑफ 32 को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो शेषफल क्या बचता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि a के पावर m के पावर n जो है ये होता है a के पावर m इंटू n होता है। तो इस जो 32 के पावर 32 है, इसको मैं 32 के पावर लिख सकता था, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32। अब पहले यहां पर आपको ये समझना होगा, ये तो मैंने कर लिया इस फॉर्मूले के तहत, आपको समझना होगा कि टोशन फंक्शन 9 का क्या है। तो 9 क्या होता है भाई, 9 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 3 का स्क्वायर।
तो शोषण फंक्शन जब निकालेंगे हम 9 का, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बटा 3, जो कि हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 बटा 3। 3 से 3 बार कटेगा मतलब इसका 6, मतलब अगर मैं यहां पावर में 6 लिखता तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 बचता मतलब। लेकिन अगर यहां 32 है तो आपको क्या करना होगा, इस 32 को 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 30 वाला जो वैल्यू है वहां से रिमाइंडर 1 ही आना है, क्योंकि ये जो 9 और 32 है ये आपस में कोप्राइम है। फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, 9 और 32 जो है ये कोप्राइम होता है, तो यहां 2 रिमाइंडर, यहां भी 2 रिमाइंडर, मतलब ये क्या है, मतलब ये है 32 के पावर में 4 है। ठीक, अगेन ये जो 32 है ये 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है 2 के पावर 5। तो मैं इस 32 को ऐसा भी लिख सकता था 2 के पावर 5 के पावर 4, जो कि बन जाएगा 2 के पावर 20। एक बार फिर से आप देखेंगे कि टोशन फंक्शन जब 9 का 6 है तो अगर यहां पावर में 6 होता तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 आता 9 से डिवाइड करने पर। तो मैं इसको 2 के पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर को अलग कर लेता हूं, क्योंकि 2 के पावर 18 करने पर फायदा ये होगा कि आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं पावर 6 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 9। तो यहां से आपका जो रिमाइंडर आएगा, पहले वाले से जो रिमाइंडर आएगा, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 के पावर 2 है तो यहां से रिमाइंडर 4 का आएगा। तो 4 जो है सवाल सही, उत्तर सही है इसका, क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। यहां पर आपके 7 के पावर 42 है और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, तो 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तब रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो आप बताइए पहले 15 का मतलब क्या हुआ, 15 से डिवाइड हो रहा है तो आपसे पूछा गया 7 के पावर 42 को 15 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो सबसे पहला स्टेप, 7 और 15 क्या है, 7 और 15 कोप्राइम, तो पहला स्टेप है कि कोप्राइम हो। अब 15 का टोशन फंक्शन कैसे निकलेगा, 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 होता है 15। टोशन फंक्शन 15 का निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बटा 3 मतलब 2 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 5 यानी कि 4 बटा 5, 3 × 5 = 15 होता है, ये कट जाएगा मतलब ये 8 हो गया। मतलब कि अगर मैं यहां 7 के पावर 8 लिखूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं इसको 7 के पावर 40 को अलग कर लेता हूं, क्योंकि 40 जो है वो 8 से डिविजिबल है। 7 के पावर 2 जो है ये, यहां से मेरा रिमाइंडर आएगा, मतलब अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर इसको 8 से डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर को 2 बना रहा हूं, तो यहां से आपका वैल्यू आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 7 के पावर 40 है इसको आप 7 के पावर 8 के पावर 5 लिख सकते हैं, और यहां से आपका रिमाइंडर 1 आता है। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कहां से आया, यहां से आया, ये है आपका 49 / 15, 49 / 15 यानी 45 + 4, मतलब यहां से रिमाइंडर 4 का आएगा। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। अब फॉर्मेट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मेट थ्योरम का प्रॉपर्टी आपको बताने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बताइए कि मुझे टोशन फंक्शन 11 का क्या होगा, टोशन फंक्शन 11 का क्या है, 11 का टोशन फंक्शन निकालना है। तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 11 के पावर 1 ही तो होता है। तो जब इसका टोशन फंक्शन निकालने जाओगे तो आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बटे 11, दो की हो जाएगा 11 × 11 - 1 यानी 10/11, तो इसका टोशन फंक्शन आया 10। एक और प्राइम नंबर के जरिए देखते हैं, किसी भी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन जो है उस प्राइम नंबर में माइनस 1 करने से जो वैल्यू आता है वही उसका टोशन फंक्शन होता है, क्योंकि 1 से 11 तक आपको 10 नंबर ऐसे मिलेंगे जो उसके साथ को प्राइम है। 1 से 10 सारे के सारे 11 के साथ को प्राइम है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर 7 का टोशन फंक्शन निकालने जाऊं 7, तो यह हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/7 यानी 6/7 आएगा, 7 से 7 कट गया 6, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 7 तक आप जब नंबर लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 नंबर जो है वो सभी 7 के साथ 1 का एचसीएफ रखते हैं, तो 7 के साथ 1 एचसीएफ रखने वाले 6 नंबर है 1 से 6 तक, इसलिए 7 का टोशन फंक्शन जो है 6 है। तो इससे हुआ ये कि अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे कि 2 के पावर 10 / 11, तो इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अगर मैं यहां 7 का टोशन फंक्शन 6 देख रहा हूं, तो मैं यहां पर अगर 50 के पावर 6 लिखूं और डिवाइडेड बाय यानी कि 6 अगर है तो 6 का मैं 216 भी बना सकता हूं, क्योंकि 6 का क्यूब हो गया 6 × 6 × 6, इसको जब 7 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक, तो यही फॉर्मेट ने कहा है। फॉर्मेट ने क्या कहा कि आधा यूलर थ्योरम का एप्लीकेशन फॉर्मेट ने कहा,
इसने ये कहा कि a के पावर p माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय p, वेयर a एंड p आर को प्राइम, देन द रिमाइंडर इज 1, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, जब a के घात p माइनस 1 को p से विभाजित करते, तो p लिया उसने, p से 1 माइनस कर दिया और a के घात लगा दिया, और कहा कि जब a और p जो है सह अभाज्य हो तो फिर शेष 1 आता है, जहां पर p एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। जैसे 103 है, 103 इसको पूरी तरह से नहीं काट रहा है और पावर में 102 है, मतलब ये दोनों नंबर जो है ये कहीं ना कहीं आपके को प्राइम हो गए, तो पावर में 102 होगा, तो रिमाइंडर यहां पे एक आएगा। इतनी आसान सी बात है। ठीक, 29 है, 29 और 35 जो है कहीं ना कहीं जो है 29 और 35 जो है ये को प्राइम है, इसका जब HCF निकालोगे तो ये 1 आता है। अब यहां से आपको अगर 1 दिया हुआ है तो एक चीज कंफर्म है कि 35 के पावर में अगर मैं 28 लिखूं और डिवाइडेड बाय 29 करूं तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1। ठीक, लेकिन यहां तो 60 था, तो मैं इस 35 के पावर 60 को तोड़ लेता हूं। कैसे तोड़ूंगा, 28 के टर्म्स में तोड़ूंगा, तो मैं यहां पर 56 अलग कर लेता हूं और 35 के पावर 4 को अलग लिख लेते हैं। a के पावर m मल्टीप्लाइड बाय a के पावर n होता है a के पावर m प्लस n, तो 60 में मैंने 56 को अलग कर दिया और 4 को मैंने अलग कर दिया। इससे फायदा यह होगा कि ये जो 56 वाला टर्म है इसको मैं 28 के पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय जब 29 होगा, यहां से क्या होगा, यहां से आपका 29 इसको काटोगे तो 1 का रिमाइंडर आएगा, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर यहां से आना है। ठीक, मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो अल्टीमेटली इससे आएगा कि 35 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 35 × 35 × 35 × 35। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 29 है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये 29 प्लस 6 है, मतलब यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो 6 × 6 × 6 × 6, मतलब 6 के पावर 4 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो 6 के पावर 4 आएगा। 6 के पावर 4 मतलब यहां भी 6 का रिमाइंडर, 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 तो 6 × 6 हो गया 36 और ये भी 6 × 6 हो गया, तो 36। इसको जब मैं 29 से डिवाइड करता हूं तो अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। यहां से आपका रिमाइंडर आएगा 7 का, अब यहां से रिमाइंडर आएगा 7 का, 7 × 7 कितना हो गया 49। 49 को जब 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 20 का बचेगा। तो आंसर जो है सवाल का डी है, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गए फॉर्मेट्स थ्योरम के। एक एग्जांपल और है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं, बट आप खुद ही इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 17 है तो 6 के पावर जो है 96 जो है पूरी तरह से आपका कट जाएगा, यानी 6 के पावर जो बचेगा वैल्यू वो कहीं ना कहीं आपका 4 बचेगा, 4 मतलब 36 × 36, तो 4 जो है सवाल का उत्तर होगा। आप चाहे तो इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपके सामने ये सवाल रखा हुआ है जो कि सेम पैटर्न का है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा भी था। जब भी ए एक्स प्लस के पावर में एन है, ए एक्स प्लस के पावर में एन है, इसको जब x से हम डिवाइड करते हैं तो के पावर n जो है आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, के पावर n जो है आपका शेष बचता है। अभी अभी देखा था ना, जैसे 35 के पावर आपका 4 है डिवाइडेड बाय 29 है, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता था 29 प्लस 6 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 29, तो यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 6 के पावर 4। तो जरूरी नहीं यहां 29 हो, 29 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 58 हो गया। ठीक है, 29 × 3 = 87 हो गया, इस तरीके से भी आप तोड़ेंगे तो रिमाइंडर 6 के पावर 4 बचेगा, यही ये थ्योरम कह रहा है। दूसरी बात, अगर यहां पर माइनस आ गया, ठीक, अगर यहां पर ए एक्स माइनस के होल टू द पावर एन आ गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको देखना है कि रिमाइंडर अब आपका माइनस के होल टू द पावर एन बचेगा, माइनस के होल टू द पावर एन। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, के यदि इवन हुआ यानी के सम हो गया तो यहां पर एक धनात्मक संख्या निकल के आएगी, और के एन यदि जो है आपका ऑड हो गया, एन यदि यहां एन इवन था तो के पावर एन, एन यदि ऑड हो गया यानी एन यदि विषम संख्या हो गया तो माइनस ऑफ के पावर एन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम जानते हैं, सर्ट इंडेक्स में पढ़ चुके हैं। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, इससे बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरीके के पैटर्न के सवाल आए हैं और आगे आते भी है, यानी प्लस वन या माइनस वन हो जाना। के की जगह मैं क्या कर रहा हूं, या तो मैं वन लिख लूं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो के पावर एन के जगह क्या हो जाएगा, के पावर एन जो है ये आपका वन देगा रिमाइंडर, और यहां पर जो है आपका प्लस वन है,
सेकेंड वाले में आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंड वाले में आप माइनस वन को डिवाइड कर रहे थे। हाँ चलिए ठीक है, प्लस वन है तो रिमाइंडर जो आएगा वन आएगा। अगर माइनस वन हो गया तो यहाँ माइनस वन वाले केस में रिमाइंडर माइनस वन के पावर एन बचता है, यहाँ पर आपका माइनस वन के पावर एन बचता है, ठीक है रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब एन यदि इवन है तो वन रिमाइंडर, एन अगर सम है तो वन रिमाइंडर, लेकिन एन अगर विषम हो गया यानी कि ऑड हो गया तो माइनस वन रिमाइंडर, विषम हो गया तो यहाँ पे माइनस वन का रिमाइंडर बचेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 49 के पावर अगर हम 214 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप जानते हैं 49 जो है इसको 48 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, होल पावर 214 डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो पूरा का पूरा 48 का मल्टीपल है, यहां से रिमाइंडर जो आएगा वो 1 का आएगा। विद इन सेकेंड्स आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि पूरी तरह से काटेगा एक का रिमाइंडर बचेगा। 71 है इसको 24 से डिवाइड कर रहे हैं हम और ऊपर पावर में 242 है, तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, 72 माइनस 1 लिख सकते हैं, होल की पावर 242 डिवाइडेड बाय 24, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्योंकि 72 जो है वो 24 थ्री जा होता है, तो माइनस 1 के पावर 242 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं 16 के पावर 123 को डिवाइड कर रहे हैं हम 15 से, और माइनस का 11 भी है आगे, 15 से विभाजित किया जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 15 प्लस 1 की पावर 123, माइनस का यहां 11 है, इसको 15 से विभाजित किया जा रहा है, तो यहां से आपका रिमाइंडर 1 का आएगा माइनस, यहां से रिमाइंडर 11 का आना है, 11 का रिमाइंडर को अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करूं तो 11 को माइनस 15 करना पड़ेगा, यानी माइनस 4 का रिमाइंडर, तो यानी 1 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी 1 प्लस 4 होगा जो कि है 5, यानी अल्टीमेटली रिमाइंडर 5 का है। आप चाहें तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से भी देख सकते हैं, यहां पर आपका जो रिमाइंडर आएगा 1 माइनस 11 यानी माइनस 10 का रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एक बार और प्लस 15 कर दीजिए तो रिमाइंडर आपका वही आना है, आंसर आपका अल्टीमेटली वही आता है, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर लीजिए, दोनों से उत्तर सेम आता है। अब इस सवाल में आप देखेंगे कि 11 के पावर 261 को हम डिवाइड कर रहे थे 30 से, 11 के पावर 261 को यदि हम 30 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा ये हमें निकालना है, तो अगर आपको ये निकालना है कि 11 के पावर 30 को 261 को डिवाइड करना है, तो 30 से छोटा नंबर है 11, तो 30 के मल्टीपल में प्लस माइनस 1 को तो 11 को कभी नहीं लिखा जा सकता, तो आप देखिए पहले कि 11 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 121 होता है, तो इस तरीके से आपको देखना है 11 का स्क्वायर में 11 के क्यूब में, क्या ये 30 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 120 प्लस 1 करोगे तो ये जो 120 है कहीं ना कहीं 30 का मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से 11 को अलग कर लूंगा और एक 11 को बाकी 11 को अंदर लिखेंगे 260, इसको आप अब हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर के पावर 130, मतलब ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 121 के पावर 130, ठीक है, मतलब ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 120 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 130, इसको यदि मैं 30 से विभाजित करता हूं तो यहां पहले वाले से मेरा रिमाइंडर 11 आएगा और दूसरे वाले से मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब अल्टीमेटली जो है डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए मैंने आपको एक बात बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर्स यानी कि जो भी हमने यूलर थ्योरम में देखा था कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू में जब हम डिवाइड कर रहे थे तो वो कोप्राइम होना चाहिए, अगर कोप्राइम नहीं है तब क्या करना है ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 के पावर आपको दिया हुआ है 25, इसको डिवाइड करना है आपको 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको निकालना है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि 4 और 6 का जब HCF निकाला जाता है, HCF निकालने पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है 2, क्या वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक, तो ऐसे केस में गलती होने के चांसेस होती है, तो इसमें हम कैसे इस तरीके के वैल्यू को हैंडल करें, तो पहले आपको इसे कोप्राइम बनाना होगा, कोप्राइम बनाने के लिए आप क्या करोगे एक 4 को अलग कर लीजिए और 4 के पावर 25 को अंदर रहने 24 को अलग रहे, तो ये बन जाएगा आपका 2 × 3, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या हुआ 2 × ये हो गया आपका 4 के पावर 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अब 3 का जो टोशन फंक्शन होता है, 3 का टोशन फंक्शन क्या होता है, तो 3 का टोशन फंक्शन 2 होता है, मतलब यहां से आपका रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि ये पावर में 24 लगा हुआ है,
अल्टीमेटली इसका रिमाइंडर जो आया दो आया। अगर आप यहां पर आंसर टू कर दें तो टू कहीं ना कहीं गलत होगा। आपने जो वैल्यू को कट किया यानी इसके एचसीएफ को कट किया था ऊपर नीचे, टू को हमने कट किया था, तो इस रिमाइंडर में आपको एक बार और टू मल्टीप्लाई करना होगा और अल्टीमेटली आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा फोर का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर फोर और सिक्स को प्राइम नहीं है, एचसीएफ टू आ रहा है, तो पहले कॉमन फैक्टर को कट करिए, उसके बाद आप यूलर थ्योरम या जो भी थ्योरम आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करिए, उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है लास्ट में, जो रिमाइंडर आया उसमें आपने जो एचसीएफ को दोनों तरफ डिवाइड किया था इस वैल्यूज को प्राइम बनाने के लिए, यानी इन दोनों को प्राइम बनाने के लिए, उसे एक बार एचसीएफ में एक बार और मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर लिखना है। ऐसा हो क्यों रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 1 15 10 - 5, यानी 5 रिमाइंडर आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, अगर 15 को मैं यहां से 10 से डिवाइड करूं तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, यहां पे 5 और 5 को काट देंगे, 5 और 5 को काट देंगे तो यहां 3/2 बनेगा, और 3/2 को जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो इस केस में यहां 1 + 2 होता है, माइनस करने पर 1 आता है। तो ऐसे केस में अगर आपने 1 रिमाइंडर लिख दिया तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 15 से को जब 10 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 5 का बचता है। तो इसलिए क्या करना है हमें, कभी भी इस तरीके के जब रिमाइंडर आ गए 1, तो आपने जिस वैल्यू से उसको काटा था, यहां पे हमने 5 इसके एचसीएफ से काटा था, तो फाइनली जो रिमाइंडर आया उसमें एक बार और 5 मल्टीप्लाई करेंगे और आपका रिमाइंडर बन जाएगा 5 का। क्लियर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अब यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो यहां पर मैंने कवर किया। हालांकि रिमाइंडर से रिलेटेड एक और सवाल आपके एग्जाम में आता है जो कि आपके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती से, यानी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होता है, तो उसे मैं अगले ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एलसीएम एचसीएफ का रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि जितने भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे, और इतना अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इससे बढ़िया प्रिपरेशन आपका नहीं हो सकता। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो भी आपके आने वाले 4 महीने के बाद है, तो अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका तब तक हो जाएगा। बने रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है, तो आपका जो भी है प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल का रहेगा और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।